हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की जो बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन अ न्यूमेरिकल ऑन बोर्ड, यू कैन सी। 500 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ अ डाइबेसिक एसिड हैविंग मोलर मास 80 ग्राम पर मोल, हैविंग डेंसिटी 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। मीन्स स्टूडेंट्स, इन सिंगल न्यूमेरिकल आई विल टोल्ड ऑल द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वॉट इज कंसेंट्रेशन स्टूडेंट्स? कंसेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सोल्यूशन इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एंड कंसेंट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, एटीसी। सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स इन डिटेल, नॉट इन डिटेल। डिटेल मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, द न्यूमेरिकल पार्ट ओनली। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन, मास परसेंटेज। इससे पहले वी विल नोट द डेटा गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप लोग पढ़ ले स्टूडेंट्स, देन वी विल स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच? 500 ग्राम, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यू नो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इट मीन्स दैट 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर मीन्स 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। वन सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 अपॉन 10 to the power 6, 500 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू 500 अपॉन 10 to the power 6 लीटर। स्टूडेंट्स, -6 -6 10 to the power -1 मेन रिटर्न 0.5 लीटर अपॉन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 ग्राम, 500 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब मास में रहेगा। अगर इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो इट इज 0.5 लीटर। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मास इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें अगर आप, तो यू कैन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स एंड यू विल गेट 495 ग्राम्स। 495 ग्राम, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। मास इक्वल टू, सॉरी इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, देन डेंसिटी इज दिस, वॉल्यूम इज दिस, मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 495 ग्राम, मींस इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा गिवन डेटा है और देखते हैं अवर सॉल्यूट इज हाउ मच। एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड होती है स्टूडेंट्स मोनोबेसिक, डाइबेसिक ट्राइबेसिक एसिड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन बाय एन एसिड डिसाइड्स द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से स्टूडेंट्स। दोबारा को थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है। फिर वन बाय वन हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फॉर बेसिस एंड फॉर एसिड्स जो हम टर्म यूज करते हैं वो देख लीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स फॉर बेसिस वी यूज टर्म एसिडिटी एंड फॉर एसिड्स वी यूज टर्म बेसिसिटी। कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन दे सकता है, जैसे HCl, हाउ मच प्रोटॉन्स कैन बी गिवन, सिंगल वन, इट इज मोनोबेसिक एसिड। H2SO4, हाउ मेनी प्रोटॉन्स गिवन, टू प्रोटॉन्स, टू हाइड्रोजन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स गिवन बाय एन एसिड विल डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। इफ एन एसिड रिलीजेस वन हाइड्रोजन एटम इट इज मोनोबेसिक एसिड लाइक HCl। If it releases two hydrogen atoms, it is a dibasic acid. कोई three release कर रहा है तो tribasic acid. Similarly, students, bases के लिए we use acidity term use करते हैं. Students, you know very well according to RNA's concept of acids and bases, bases have hydroxide ions in them. And number of hydroxide ions, OH ions, OH minus ions given by an base decide the acidity of base. Like बात करते हैं NaOH की। Students, NaOH ले आप NaOH, it will give one hydroxide ion or hydroxyl ion. It is mono acidic base. If we use calcium hydroxide, it will have two hydroxyl ions. It is dibasic, so diacidic base. AlOH whole thrice. Students, it is triacidic base. Okay, students. So number of hydrogen ion or number of hydroxide ions decides the acidity or basicity of a
एसिड और बेस. मींस एसिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, और बेसिस के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी एसिड्स के लिए यूज करेंगे बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ओके स्टूडेंट्स, समझते हैं इसको. कैरी ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट स्टूडेंट्स. मास ऑफ सॉल्यूट इज 8.0 ग्राम एंड इसे हम यहां मान लेंगे स्टूडेंट्स डब्ल्यू बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. निकालना नहीं आपको, ये भी दिया गया है स्टूडेंट्स आपको, इट इज 80 ग्राम पर मोल, इट इज डिनोटेड एज एम बी. इसको हमने एब्रीवेट किया है डब्ल्यू बी. केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है. सॉल्यूट के लिए जनरली हम लोग टर्म बी यूज करेंगे एंड सॉल्वेंट के लिए हम टर्म ए यूज कर सकते हैं. किसी किसी बुक में 1 और 2 दिया गया है, उससे आप कंफ्यूज ना हो. ए और बी या आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को ए माना है, सॉल्यूट को बी माना है. ओके स्टूडेंट्स, तो योर फर्स्ट पार्ट इज मास परसेंटेज. ए पार्ट मास परसेंटेज, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100. स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट हियर इज 8 ग्राम एंड व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन वी हैव कैलकुलेटेड. स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच स्टूडेंट्स, इट इज 495 ग्राम इंटू 100. यहां पे स्टूडेंट्स एक बात और कर लेते हैं, यहां देख लेते हैं इसको. मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा 495 ग्राम है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स इसको डब्ल्यू ए मान लेते हैं, ए फॉर सॉल्वेंट, मास ले रहे हैं, इट इज डब्ल्यू. It is how much? 495 gram is our solvent or solution. और इस solution में हमारा solubility तो मिला हुआ है. Whenever you minus subtract by 8, you will get 487 grams. It is the mass of solvent. Mass of solution equal to mass of solute plus mass of सॉल्वेंट. तो हमने यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दिया, वी विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डब्ल्यू ए. डब्ल्यू ए इक्वल टू 487 ग्राम्स, डब्ल्यू बी इक्वल टू 8.0 ग्राम्स और 8 ग्राम्स. ये हमको जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स, और इन मोलालिटी में हमको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, देन वी नीड इट. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 8.495 into 100. स्टूडेंट्स वेन एवर यू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर 1.62%. आप सॉल्व कर लें इसको, मैंने इसे पहले सॉल्व कर लिया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सॉल्व करके लिख दिया है 1.6. नाउ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज मास, मास इज गिवन स्टूडेंट्स 8.0 ग्राम. व्हाट इज वॉल्यूम, आई हैव कैलकुलेटेड 0.5
लीटर। सॉल्व करें आप इसे, 8 इंटू रिमूव कर दें यहाँ 10 आएगा स्टूडेंट्स, 5 या 10 इट इज 60 ग्राम पर लीटर, 16 ग्राम पर लीटर इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लेते, मोलैरिटी सी पार्ट मोलैरिटी मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इट इज द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट पहले हम फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एम इसके सॉल्यूट के, एन बी वॉल्यूम इसमें चाहिए लीटर में चाहिए। ओके और देखते हैं एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास मीन्स डब्ल्यू बी बाय एम बी, वॉल्यूम अगर हम लेते हैं एम एल में फॉर्मूला इज अपॉन 1000 एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन बी इफ इट इज गिवन इन एम एल, और लीटर में दिया है तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है देखिए स्टूडेंट्स हाउ विल यू कैलकुलेट, तो देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम इक्वल्स एंड बी हमको दिया है लीटर में, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट 8 ग्राम एम बी 80 ग्राम पर मोल एंड वॉल्यूम इज गिवन 0.5 इन द 8 इन द 80 इट इज 50.2 m, और यू कैन से 0.2 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में है मोल पर लीटर, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0.2 m और 0.2 मोल पर लीटर, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी 0.2 मोलर सॉल्यूशन, 0.2 मोलर सॉल्यूशन either you can write 0.2 m or you can write 0.2 mole per liter. Okay students it is all about molarity. Then we come our next topic, molality. Students molality students molality is denoted by small m. What is the difference between molarity and molality? In molarity we have taken volume of solution in liter, but here in molality we will take mass of solvent in kilograms. वहां पे volume लिया है
किसका? सॉल्यूशन का। यहां मास लेंगे किसका? सॉल्वेंट का। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। एमबी अपॉन स्टूडेंट्स एमबी अपॉन डब्ल्यू ए। ए मीन्स सॉल्वेंट, लीटर किसमें है? किलोग्राम्स में है। डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अगर डिराइव कर सकते हैं तो डिराइव कर लीजिए। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए या ऐसे कराएंगे, इट विल बी मोर इजी फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है स्टूडेंट्स? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड इट्स यूनिट विल बी मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स देखते हैं, तो स्मॉल एम इक्वल टू स्टूडेंट्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए। ओके स्टूडेंट्स, इट इज गिवन 0.8, इट इज गिवन 8.0 और 8 यू कैन से इट इज 80। What is mass of solvent? It is 487 grams. Mole per kilograms. इसकी यूनिट भाई मोल में ये है, ग्राम्स में ये है, किलोग्राम्स में है, तो इट इज मोल पर किलोग्राम और सिंपली यू कैन राइट स्मॉल एम। इससे पढ़ते हैं मोलल सॉल्यूशन। व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ दिस मोलैरिटी, मोलैरिटी इट इज जस्ट रीड एज मोलल सोल्यूशन। सपोज कीजिए इसकी मोलैलिटी 5 आती है तो इट विल रीड एज 5 मोलल सोल्यूशन। मोलल एंड मोलर, मोलैलिटी के लिए मोलर, मोलैलिटी के लिए मोलल। स्टूडेंट्स मोलैलिटी इक्वल टू 8/80 1000 अपॉन 487। आई हैव गिवन द डेटा हियर। वेन एवर यू सॉल्व इट यू विल गेट इट 0.205। मैंने इसे स्टूडेंट पहले सॉल्व कर लिया है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया था इसको। 0.205 मोल पर किलोग्राम और यू कैन जस्ट रीज 0.205 एम। 0.205 मोलल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी इज कंसिडर्ड बेस्ट बिकॉज इन मोलैलिटी वी हैव टेकन सॉल्वेंट एंड इन मोलैलिटी वी विल टेक सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। That's why molality, to express concentration in terms of molality is best as compared to molality. Because aata hai board mein, aap ise note kar lein. Why does molality is considered better over molarity? The answer is because in molarity we take solution and in molality we take the concentration of solvent and the concentration of solvent is temperature independent. That's why molality is better over the molarity. Now students, because we will take our next topic, mole fraction.
Students, I have already told that mole fraction is denoted by x. अगर हम कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं, it is x a. कंपोनेंट बी की बात कर रहे हैं, x b. मान लीजिए और कंपोनेंट c, d कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ c, x c और x d, जो भी बोल सकते हैं आप. Here we have taken two components, x a and x b. कंपोनेंट ए यहां लिख लेते हैं, कंपोनेंट बी यहां लिख लेते हैं. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स पहले ए के निकालिए, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. नंबर ऑफ मोल्स डी के फाइंड आउट कीजिए, और गैप कम कर लेते हैं, एन b equal to wb upon mb. It is students wb 8 mb 80. Solve करेंगे, you will get 0.1 mole. क्या तो 0.1 mole आ गया है आंसर. यहां पर कितना है, what is the mass of component a? It is 487 grams. What is molar mass? देखिए स्टूडेंट्स, कहीं पर भी सॉल्वेंट के मोलर मास की बात नहीं करेगी न्यूमेरिकल में, आप उसको रीस्टडी कीजिए. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, बट इट इज गिवन दैट द सोल्यूशन इज एक्वस. वॉट इज द न्यूमेरिकल, मैं पढ़ता हूं दोबारा से. 500 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन, 500 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन contains 8.0 grams of dibasic acid. Aqueous solution, aqueous means the solution of any compound mixed with water. Aqueous means our solvent is water here. And what is the molar mass of water? It is 18 grams. 18 निकाल सकते हैं आप. देखिए H2O. Students, यहां दो हाइड्रोजन होते हैं वाटर में, वन ऑक्सीजन होता है, तो 2 × 1 + 16 इट इज 18 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम्स. वही वैल्यू हमने यहां पे पुट किया. देखिए स्टूडेंट्स, इसे वैल्यू आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट, सर कर देता हूं, जब सॉल्व करेंगे इसको आप, इट इज 27.06 मोल. आई हैव कैलकुलेटेड फर्स्ट प्रीवियसली, सो टू मैनेज योर टाइम स्टूडेंट्स, सो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी एन बी. नाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी. देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in solution. Since it is a ratio, that's why it has no units. Means a component or total component जो present है solution में, उन दोनों का. Now we calculate mole fraction of component A and component B. X A, it is mole fraction of component A. Here students, X B, that is mole fraction of component B. देखते हैं, the ratio of number of moles of one component to the total number of moles present in solution. ये X A का हो गया. XB, the ratio of number of moles of other component, यानी कि NB, to the total number of moles present in solution. XA, XB, दोनों का हम साथ में निकाल देंगे. देखिए स्टूडेंट्स,
Na कितने A के मोल्स हैं? 27.06 A की वैल्यू 27.06 Nb 0.1 सॉल्व कर लेते हैं 27.06 इट इज 27.16 स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे आप इसको जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स अबाउट 0.9936 और भी आगे आएगी हमने इतनी वैल्यू ली है द कंपोनेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इतना एक्स बी हाउ मच 0.1 इन दोनों को प्लस करेंगे इट विल बी 27.16 सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.0063 द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी स्टूडेंट्स whenever you calculate the mole fraction of one component you can also calculate the mole fraction of other component by subtracting it from one bata student kya hai yahan dekhte hain isko isko hum yahan dekhte hain alternative method स्टूडेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी इक्वल टू वन एक्स निकाल लिया हम लोगों ने एक्स भी निकालने के लिए हम उसको एक्स ए को माइनस कर सकते हैं वन माइनस 0.9936 सॉल्व कर लें आप इसे 0.0064 देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको लगभग सेम मिल रही है ओके तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आपकी ये वैल्यू भी ठीक है क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल्स में है तो इतना कंसीडर नहीं होता है ये वैल्यू आपकी ठीक है ये वैल्यू भी आपकी ठीक है आप चाहे आइदर यू कैलकुलेट लाइक दिस और यू कैलकुलेट लाइक दिस कंपोनेंट बी तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज को डिस्कस किया मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना ही आपको कोई कंफ्यूजन रहती है यू कैन कम इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों मैंने अपने पिछले वीडियो भी बनाए हैं आप उनको देखें आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें हमारी कमियाँ हमको ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें थैंक्स Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.